आप दलितों की बात नहीं रख। नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी, आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। राहुल गांधी ने मसाला खोजने की लत के शिकार मीडिया को एक बार फिर ऐसे झाड़ लगाई कि कैमरे के पीछे खड़े संवाददाता सहम उठे, और सहम ही नहीं उठे बल्कि आपको बता दें कुछ शर्मिंदा भी उठे। ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है। पीटीआई थोड़ा नीचे कर लो। कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। लागू करवाना, जवाब डालना, वो मेरा काम। आखिर किसकी फांसी और किस दबाव की बात कर रहे थे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष? दरअसल राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो एक दलित युवक की हत्या के मामले में अपने सजाती आरोपी को बचाने के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। ऊपर से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्षेत्र होने के कारण रायबरेली में दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस बुरी तरीके हमलावर है। पीडीए का मामला होने के वजह से समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को निशाने पर ले रखा है और भाजपा से जवाब देते नहीं बन रहा है। ऊपर से आ गया 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। ऐसे माहौल में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली के नसीराबाद में मारे गए दलित युवक के परिवार से मिलने पहुंचे। पत्रकारों ने घेर लिया। राहुल ने इसके बाद पहला आरोप जो लगाया वो मामले में हत्यारा इसलिए आजाद है ताकि दलित परिवार का है और मैं यहां से पीछे नहीं हटूंगा। आपको बताते चलें, दलित परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी दोबारा दोपहर करीब 1 बजे अमेठी के हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से सीधे रायबरेली के नसीराबाद के लिए रवाना हो गए। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय, आपको बता दें जो उनके साथ थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी अविनाश पांडे और सांसद प्रमोद तिवारी समेत कई प्रमुख नेता काफिले में शामिल थे। नसीराबाद के पिछवरिया गांव में 11 अगस्त को नवीन सिंह ने अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी नवीन सिंह अभी भी पकड़ से बाहर है। राहुल अर्जुन पासी के घर वालों से मिले और उनका दुख साझा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ जो भीड़ जमा हुई है वे सभी न्याय मांग रहे हैं। अर्जुन पासी के पूरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस मास्टरमाइंड पर कार्यवाही नहीं कर रही है। जी हाँ, छोटे आरोपियों को पुलिस पकड़ रही है जबकि मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जा रहा है। जानबूझकर हम चाहते हैं कि हर वर्ग के लोगों का आदर हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी अर्जुन पासी की माँ से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि बेटा आरोपियों के बाल काटने जाया करता था। उन लोगों ने 5-6 बार से पैसे नहीं दिए थे। इस बार अर्जुन ने उन लोगों से पैसे मांगे। आरोपियों ने पहले तो अर्जुन पासी को टरकाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस पर पैसे मांगता रहा तो उसकी हत्या की योजना बना डाली। पुलिस के पास दी गई शिकायत के मुताबिक नागपंचमी के दिन अर्जुन पासी का गांव के नवीन सिंह से झगड़ा हो गया। दोनों के बीच कहते हैं कि मारपीट हुई। इसके बाद 1.5 लाख नवीन सिंह ने अर्जुन को बुलवाया भेजा और अर्जुन राजा राम के घर के पास पहुंचा। असली से लैस नवीन सिंह ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से अर्जुन की मौके पर मौत हो गई। नवीन सिंह फायरिंग के साथ साथियों समेत मौके से फरार हो गया। मुख्य हत्यारे को नहीं गिरफ्तार कर पाई है पुलिस। राहुल गांधी ने यह कहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी को बुरी तरीके से घेर लिया। छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं और बड़े लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा, वो दहशत में है, लेकिन यहां कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। लेकिन राहुल गांधी मीडिया पर क्यों भड़क उठे? मीडिया को लोकतंत्र और विविधता का ट्यूशन क्यों देने लगे? इसकी वजह यह है कि वो गए थे दलित परिवार से मिलने रायबरेली, जिसके एक सदस्य को गोली मार दी गई थी। आरोप लग रहे हैं कि आरोपी योगी आदित्यनाथ की जाति का है, इसलिए पुलिस उस पर हाथ डालने से कतरा रही है। और मीडिया वाले बार बार पूछ रहे हैं कि कोलकाता की घटना पर आप क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स इसी पर राहुल ने मीडिया के सामने वो आईना रख दिया जिससे उसके कपड़े उतरे हुए नजर आते हैं और मीडिया का अंदरूनी जातिवाद और जातिवाद से ज्यादा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी नफरत और हिकारत। अब मैं जानता हूं कि इस मामले को उठाना नहीं चाहते। राहुल ने कहा कि मैं जानता हूं आपकी दिलचस्पी एक दलित हत्या के मामले उठाने में बिल्कुल नहीं है, जो कि आपके पास का मामला है। इसलिए एक ऐसे मामले की खींचतान हो रही है जो यहां से 150, आपको बता दें 1500 किलोमीटर दूर घटा है। दूसरी, आप दलितों का मुद्दा उठाने से हमेशा कतराते हैं, लेकिन मैं इस जाल में फंसने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करूंगा जिसे उठाने के लिए मैं यहां आया हूं। आपको जो सवाल करना है, लेकिन मेरे लिए इस मुद्दे की अहमियत इस वक्त बड़ी है। आप नहीं रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं लगातार यहाँ पर अपनी बात करूँगा। राहुल गांधी पहले भी मीडिया में भागीदारी का मुद्दा उठाते रहे हैं। पिछले साल 10 अक्टूबर को उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछ लिया था कि आप में से कितने दलित, पिछड़े और कितने आदिवासी हैं।
तो आपको बताते चले, लगातार उन्होंने मौजूद पत्रकारों को लगातार बहुत सारी बातें कही हैं। वहां पर मौजूद दर्जनों संवाददाताओं में से कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी नहीं था। कैमरामैन भी केवल एक था जो पिछड़े तबके से आता था, इसलिए राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना की मांग भी करते रहे। संसद के बजट सत्र में जब भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने उन्हें बच्चात कह दिया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं जाति जनगणना को आप नहीं रोक सकते। राहुल गांधी पहले नेता हैं जिन्होंने जाति विविधता और भागीदारी के मुद्दे को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। राहुल के इन्हीं तेवरों की वजह से नरेंद्र मोदी को UPSC में लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण की हत्या करके पदों पर निकली गई भर्ती को लगातार करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल है कि मीडिया वाले गिद्ध इस पर कब सोचेंगे। कमरे में दलित कितने हैं? देखिए ये मजा, देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। भूलिए जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके देते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।